और फवारों के क्याम और फिर सड़कों की बेहतरी और सड़कों की साइडों पर शजरकारी और उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी वो बनानी, पूरी लैंडस्केप बनानी। तो ये एक बड़ा जामिया मंसूबा था। लाहौर बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है, और काफ़ी मेहनत तलब काम था, काफ़ी तवील काम था। तो मेरा ये ख्याल है कि जब से भी आपकी इस अथॉरिटी ने, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी ने अपना सफ़र शुरू किया है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि लाहौर शहर खूबसूरत शहरों में एक है। बदकिस्मती से आज स्मॉग में पंजे गाड़े हैं, लाहौर की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हुई है। ये इससे भी बुरी होती, ये बदतरीन तो है, बदतरीन से आगे क्या होता ये मुझे नहीं पता। ये केमिकल, ये धुआं, ये ऑटोमोबाइल्स, ये चिमनियों से निकलता धुआं, ये गाड़ियों का धुआं, ये हमारा अंदाज़ ज़िंदगी, और फिर किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो फ्यूजिटिव डस्ट है, जो हवा में उड़ती गर्द है, ये मिली जुली, फिर ये इसके साथ जो कुछ भी और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर इस सारी चीज़ के रास्ते में कोई एक चीज़ रुकावट है कि जिसकी बुनियाद पर इसमें आज भी हम थोड़ा बहुत सांस ले रहे हैं, तो वो आपकी मेहनत और ये लगाए गए शजर। तो ऐसे मौसमों को, ऐसे जफाकश रिस्क हलाल कमाने वाले मौसमों को, जो अपनी तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में, 45 डिग्री के टेम्परेचर में, यख बस्ता सर्दियों में अपने हाथ में अपने कुदाल लेकर बाहर उस तारकोल की सड़क से गुजर कर, जिसको देखते हुए भी वहशत आती है, आपका ये काम कोई मामूली काम नहीं है। ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं कि मैं सिर्फ आपको ये यकीन दिला के जाऊं कि जिस मुकदमे के लिए या जिस मतमय नज़र से आपने मुझे यहाँ बुलाया है, इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपका वकील बनकर ये आपका हक आपकी दहलीज पर आपको ला कर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक दफ़ा फिर आप तमाम अपने मेहनत कश मयूर भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये शजरकारी की मुहिम जो वज़ीर आला पंजाब ने शुरू की है, यही हमारा मुस्तकबिल है कि अगर हमने ये कोशिश ना की तो ये जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है आबो हवा की, ये हमें बहुत परेशान करेगी। तो इसमें आपकी जितनी मेहनत है इंशाल्लाह उतनी हमारी भी साथ मेहनत और मामला शामिल रहेगी। पिछले साल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था और उस हवाले से अब कार्रवाई मजीद तेज़ हो गई है। जनरल